हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कल हमने पढ़ा था F1 और F2 पीढ़ी। आज हम पढ़ेंगे समयुग्मी और विषमयुग्मी। इसमें क्या है, देखो दोनों कॉन्सेप्ट एक ही बार में ख़त्म करना है और बहुत ही कम समय में, वो बहुत जल्दी ख़त्म करना है। पूरे हमें बोर्ड के एग्जाम तक पढ़ना है, क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम देना है 12th का। अब बोर्ड एग्जाम देने के लिए कुछ जल्दी पढ़ लें और कुछ ऐसा पढ़ लें कि हम जल्द, जो हमारी किताब में इतना मोटा सिलेबस दिया हुआ है, उसे थोड़ा सा कर सकें। उसके लिए मैं तुम्हें बता दूँ समयुग्मी तथा विषमयुग्मी में अंतर क्या है। डेफिनेशन आ जाती हैं अलग अलग लिखने के लिए, दो दो नंबर में, एक एक नंबर में, तो उन्हें कैसे लिखें। तो सबसे पहले यहाँ पर सम 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 मान के चलो कि मेरे पास कुछ है। मैं अकॉर्डिंगली अपने कोचिंग सेंटर की दो टी शर्ट ले लेता हूँ, दोनों एक जैसी दिख रही हैं तुम्हें, तो ये क्या है, सम है ना। अभी इस जगह पर मैं इसके साथ में ये ले लूँ, ये स्वाफी है, ये कपड़ा है, मतलब है तो दोनों कपड़े ही लेकिन है ना अलग अलग, तो ये क्या है, विषम। तो यहीं से समझ में आ गया होगा सम और विषम। सम के लिए जैसे अभी मैं यहाँ पर दो और दो लिख दूँ तो ये कैसी है, सम है ना, कैसी है, सम है। अभी यहाँ पर मैं लिख दूँ चार चार चार, ये भी कैसी है, सम। समझ गए, यहाँ पर एक तीन दो अलग अलग दिया, ये क्या है, विषम। समझ गए यहाँ पर। अब मैं तुम्हें बता दूँ, किसी पौधे की लंबाई ये है, किसी पौधे की लंबाई ये है, तो दोनों की समान है ना, तो ये क्या हुआ, सम। लेकिन एक की लंबाई ये है और एक की छोटी है, तो वो क्या है, विषम। यही मुझे समझाना था। क्या समझाना है, यही चीज़ समझानी है आपकी। लंबाई, लंबाई नोटेड डाउन की जाती है किससे, लंबा से और बोना से। अब इसमें लंबा और बोना है, मैंने अगर तुम्हें जीन दे दी कैपिटल टी, कैपिटल टी किसी लंबाई के लिए, टॉल टॉल यानी लंबा, लंबे के लिए मैंने दो जीन दे दी आपके टी टी, तो ये क्या है, सम लंबा। कैसे बोलोगे, सम लंबा। अच्छा अगर मैंने छोटा टी दे दिया तो क्या बोलोगे, सर सम बौना है ये, क्या है, सम बौना। अभी मैंने तुम्हें पीछे पढ़ाया था F1 पीढ़ी, P1 पीढ़ी, ये हमारी फॉर्मेलिटी यूज होती है इसे भरने के लिए। समझ गए, ये क्या है, काय का साइन है, क्रॉस, संकरण। पीछे पढ़ा होगा तुमने मेरी पीछे वाली यूनिट, यूनिट तो वही है टॉपिक में। समझ गए, यहाँ पर P1 पीढ़ी से आने वाली संतति कौन सी है, F1 पीढ़ी, और इसमें जो संतति आई वो 100% कैसी आई, विषम लंबी, विषम लंबा। ध्यान से देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, लंबा पौधा बौना पौधा, लंबा पौधा बौना पौधा, लंबा बौना, लंबा बौना, क्या है ये, विषम। अभी एक जैसे दिखते तो कैसे होते, सम। अभी मैंने यहाँ पर ये खत्म कर दिया अपना F1 पीढ़ी, और यहीं जस्ट मैंने इन्हीं में आपस में क्रॉस करा दिया, विषम लंबे और विषम लंबे में के बीच में क्या करा दिया, क्रॉस। जब विषम लंबे में करा दिया तो विषम लंबा कैसे मान लिया, कैपिटल टी और स्मॉल टी, एक छोटा टी आ गया तो विषम हो गया ना, अलग अलग हो गए, एक छोटा टी एक बड़ा टी, तो ये कैसे हो गया, विषम। हमें ऐसे लग रहा है कि ऑड एंड इवन नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्रॉस किया, क्रॉस कराने पर कैपिटल टी यहाँ से लिया, कैपिटल टी यहाँ से लिया, कैपिटल टी हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ से लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, स्मॉल टी कैपिटल टी। सर तुमने कैपिटल टी स्मॉल टी कैसे लिख रखा है, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। नहीं, मैंने इसलिए रखा है बच्चा, बड़ा अक्षर पहले लिखा जाता है और छोटा अक्षर बाद में लिखा जाता है, ये इंग्लिश का सेंस है। ये अंग्रेज छोड़ गए थे, अंग्रेजों ने बोला है कि कैपिटल वर्ड आगे लिखो बेटा, ये पीछे नहीं लिखे जाते, तो समझ गए होंगे कैपिटल वर्ड आगे लिखने के चक्कर में मैंने कैपिटल वर्ड को आगे लिखा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, अब स्मॉल टी, स्मॉल टी के साथ स्मॉल टी। अब एक बात याद रखो, हमने सर ये अगर देखें तो ये लंबा है, ये भी लंबा है, दोनों तो लंबे लंबे में करा दिए, सर ये बौना कैसे आ गया, होता नहीं मोहल्ले पर उसमें, ये साले काले काले हैं, इनका बच्चा गोला गोरा गोरा कैसे हो गया, ऐसे हो गया। मैं बताऊँ कैसे हो गया, ये आपकी दादी अम्मा यानी बाबा और दादी से आ गए हम लोग, हम में आपस में क्रॉस हुआ तो हमसे आ गई हमारी संतति, नाती पंती हो गए ना इनके, सब मान के चलना, ये लंबी लंबा आदमी था, ये बौनी पत्नी थी, दोनों से जब क्रॉस हुआ, क्रॉस समझ रहे हो ना, तो क्रॉस हुआ और क्रॉस होते ही कैसी चीज आ गई, सब के सब लंबे आ गए, सब बच्चे लंबे, क्योंकि आगे वाला वर्ड प्रभावी होता है, प्रभावी अप्रभावी, हम आगे पढ़ेंगे, याद रखना इस बात को। अब यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे तो जरूर, लेकिन अभी समझ लें, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, सर सबके सब लंबे हो गए, मम्मी बोनी थी लंबे कैसे हो गए, एक जो ये वाला जीन है ना ये अप्रभावी है, आगे बताऊंगा कैसे है। अब इससे आगे संतति
संतति आ गई, अब उस संतति के बीच में फिर से करा के देख लिया, यार दादी के लक्षण नहीं आ रहे, दादी के लक्षण आ गए। एफ टू पी डी में दादी जी खुद आ गई स्वयं उतर के, ये देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, सॉरी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी आ गया ना नीचे, तो ये कहाँ पर यहाँ पर नामांकन करो, अगर देखें अगर दिखाई दे तो ये लंबा ये लंबा ये लंबा और ये बौना, यानी तीन लंबे और एक बौना, कैसा बौना, अगर इस पर इसी का बात की जाए तो एक पौधा लंबा होगा लेकिन कैसा होगा सम लंबा, और दो पौधे कैसे होंगे विषम लंबे, और एक पौधा कैसा होगा सम बौना। ये क्या है जीनोटाइप, जीनोटाइप और फिनोटाइप हम पढ़ेंगे, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, एक दो दिन में कल ही परसों पढ़ देंगे पढ़ देंगे। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे सर, सब तो सबसे सर खाए जा रहे हो, डेफिनेशन लिखेंगे, देखो मैंने दोनों की डेफिनेशन एक ही में लिख डाली है, अगर मेरा लिखना राइटिंग वगैरह था ना थोड़ा लेंदी पेंदी है, तो यहाँ पर देखो किसी लक्षण के जोड़े में दोनों जीन, ये जीन है आपके और ये लक्षण है, किसी लक्षण के दोनों जीन, किसी लक्षण के दोनों जीन समान हों, समान हों तो समयुग्मी, अगर भिन्न हों तो विषमयुग्मी कहलाते हैं। अलग अलग डेफिनेशन लिख लेना, मैंने एक ही में लिख दिया है, यानी किसी लक्षण के जोड़े में दोनों जीन समान पाए जाते हैं तो समयुग्मी कहलाता है। अगर इसी को दूसरी रूप में लिखना है, किसी लक्षण के जोड़े में दोनों जीन भिन्न भिन्न पाए जाते हैं तो विषम युग्मी कहलाते हैं। अपने हिसाब से परिवर्तन कर लेना, मतलब अपना दिमाग तो लगाना मैंने लिखा कैसे है, तो यहाँ पर मैंने दोनों को कोष्ठक बंद कर दिया, इसके लिए अलग है इसके लिए अलग है, और यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिए हैं कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये समयुग्मी का है, और स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर ये विषम युग्मी का है। जरा अपने दिमाग से लगाना, पूछना कि ये सर ने लिखा कैसे है, समझना दिमाग को पूछना अपना, ठीक है। अब यहाँ पर आपके समयुग्मी के लिए आप इस वाले एग्जांपल को दे सकते हो, चाहे इसको दे सकते हो, कुछ भी दे दो, लेकिन विषमयुग्मी के लिए ज़्यादातर ये रहेगा। यहाँ पर पहचान के लिए लिख सकते हो समयुग्मी, ये लिख सकते हो विषमयुग्मी, और यहाँ पर लिख सकते हो समयुग्मी। मैं तो बता दूँ दोनों क्रॉस दे सकते हो चाहो तो, लेकिन थोड़ा ही पूछता है तो उसके लिए डेफिनेशन, किसी भी लक्षण के जोड़े में दोनों जीन समान होते हैं तो समयुग्मी, और दोनों जीन असमान होते हैं भिन्न होते हैं तो विषमयुग्मी। हमें बस इतना ही समझना है, इससे से ज़्यादा नहीं समझना। तो पहले वाले समयुग्मी के लिए इतना वाला दे देना और दूसरे वाले के लिए ये वाला क्रॉस दे देना, ओके, यानी विषमयुग्मी के लिए, विषमयुग्मी के लिए और समयुग्मी के लिए ये वाला फिनिश। तो मैं जेपी वर्मा आपसे अलविदा लेता हूँ, आज की क्लास थोड़ी ही समय में मैं जल्दी से फिनिश कर रहा हूँ, और मैं ना नाइट में वीडियो बनाता हूँ, तो सर सबके लिए।